सी के दोस्तों, मेरा नाम पास्टर अनिल कोचर है और मैं बॉम्बे में रहकर परमेश्वर की सेवा करता हूं। आज का विषय जो मैंने लिया है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है, क्योंकि जैसे मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं। और एक धर्मी के जीवन में जब संकट आता है या सताव आता है तो वो घबरा जाता है, वो डर जाता है और वो कहता है कि मेरे जीवन में सताव क्यों, मेरे जीवन में संकट क्यों। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि धर्मी के जीवन में संकट नहीं आता है, मैं बताऊंगा कि धर्मी के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम करती हैं। आप और मेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं हर पल काम करती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको चुना है, हम परमेश्वर के चुने हुए हैं। हालेलुया। अय्यूब के जीवन में संकट नहीं आया था। अय्यूब के जीवन में क्या संकट परमेश्वर लेकर आया? अय्यूब के जीवन में क्या आपका परीक्षाएं परमेश्वर लेकर आया? नहीं, परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर तो जानता था कि अय्यूब खरा है, परमेश्वर जानता था कि सारी पृथ्वी में एक खरा बंदा कौन है? अय्यूब। लेकिन वो शैतान को बताना चाहता था कि तू चाहे कितनी भी परीक्षाएं कर ले, लेकिन मेरा खरा बंदा, मेरा चुना हुआ बच्चा, वो खरा निकलेगा और वो मेरा बना रहेगा। हालेलुया। और हुआ भी यही, अय्यूब के मुंह से कोई भी पाप नहीं निकला, अय्यूब के मुंह से कोई भी निंदा का शब्द नहीं निकला परमेश्वर की ओर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है, इसलिए बाइबल कहती है कि धर्मी के जीवन में संकट नहीं आता है, बल्कि धर्मी के जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम करती है। याद करिए उस स्त्री को जिसका नाम नियोमी था। नियोमी बैतलहम में रहती थी अपने परिवार के संग, अपने पति के संग, दोनों पुत्रों के साथ। लेकिन अकाल आया, अकाल आया तो वो मोआब देश में आ गई। मोआब देश में उसे रूथ मिली, लेकिन उसका पति चल बसा। उसके दोनों पुत्रों की शादी हुई, एक की शादी उसके रूथ से हुई और रूथ बहुत खुश थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद दोनों पुत्र भी नियोमी के मर गए, नियोमी अकेली रह गई। हालेलुया। और उसके संग उसकी उसकी दोनों बहुएं उसके साथ थी, जिसमें से एक थी रूथ। रूथ कौन थी? रूथ मोआब देश की रहने वाली थी, मोआब जो अशुद्ध जाति है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना रूथ के जीवन में काम करने वाली थी। हालेलुया। क्योंकि रूथ को परमेश्वर ने चुन लिया था। नियोमी चाहती थी कि वो बैतलहम वापस आए, क्योंकि अकाल खत्म हो गया था। उसने उसने रूथ से कहा कि रूथ, मैं अपने देश, अपने गांव, अपने शहर बैतलहम वापस जा रही हूं। लेकिन रूथ ने कहा कि जो तेरा प्रभु है वो मेरा प्रभु है, जो तेरा शहर है वो मेरा शहर है, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने रूथ को चुना और परमेश्वर ने रूथ को नियोमी के साथ रखा। रूथ जब आई, आपका बैतलहम में आई, तो रूथ की शादी बोआज से हुई। रूथ और बोआज से बेटा पैदा हुआ ओबेद, ओबेद का बेटा जेसे, जेसे का बेटा दाऊद, और दाऊद के वंश से पैदा हुआ यीशु मसीह। आपने देखा कि परमेश्वर की योजना रूथ के जीवन में काम कर रही थी, क्योंकि परमेश्वर रूथ को शुद्ध बनाना चाहता था, अपने जीवन में, अपनी जाति में, अपने अपने जाति में लेना चाहता था। हालेलुया। इसलिए रूथ यीशु मसीह की पड़दादी हो गई। परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है मेरे दोस्तों। परमेश्वर आपको प्यार करता है। परमेश्वर ने जब आपको चुना है, तब से आपका जीवन आपका नहीं रहा, आपका जीवन परमेश्वर का जीना है, परमेश्वर का जीवन है। हालेलुया। इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए। अगर आप फिलिपियों की पत्री देखें तो पौलुस जेल में गया, पौलुस जेल में गया, और पौलुस जब जेल में गया तो उसने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री 1:12-13। हालेलुया। अबे भाइयों, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार की उन्नति ही हुई है, यहां तक कि कैसर के अंगरक्षकों एवं अन्य सब लोगों में यह बात प्रकट हो गई है कि मैं मसीह के लिए कैद में हूं। हालेलुया। धन्यवाद। वो जानता था कि जिस जेल में वो कैद हुआ है, वहां के लोग ये तो जानते हैं कि पौलुस यीशु मसीह का प्रचारक है, लेकिन वो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। हालेलुया। वो जानता था कि मेरे जीवन में संकट नहीं आया है, वो जानता था कि मेरे जीवन में संकट नहीं, लेकिन परमेश्वर की योजना काम कर रही है। परमेश्वर की योजना क्या थी? क्योंकि पौलुस के द्वारा रोमन्स को बताना कि यीशु मसीह कौन है, इसलिए वो खुश था उस जेल में। वो कह रहा था, मैं धन्यवाद परमेश्वर कि तूने मुझे इस जेल में लाया, धन्यवाद कि मैं कैदियों के बीच में हूं, क्योंकि ये कैदी नहीं जानते यीशु मसीह को, लेकिन जानते हैं कि मैं यीशु मसीह का प्रचारक हूं, उसका सुसमाचारक देने वाला हूं। हालेलुया। इसलिए तूने मुझे चुना, इसलिए तू मुझे यहां पर जेल में लेकर आया, अब मैं इस जेल में रहकर सुसमाचार की उन्नति करूंगा, सुसमाचार फैलाऊंगा और इन लोगों को बताऊंगा कि यीशु मसीह कौन है। मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरी बहन, हम विश्वास करें और हम गर्व करें अपने ऊपर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है। इसलिए हमारा हर पल परमेश्वर का है, हमारा हर दिन परमेश्वर का है, हमारा हर साल परमेश्वर का है, और इसीलिए परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में काम कर रही हैं। और इसीलिए मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सताव में आप डरिए मत, दुख में आप डरिए मत, आनंद मनाइए और परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में काम करने दीजिए। धीरज के साथ
धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, विश्वास के साथ परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन में काम करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है, उसका सामर्थ्य आपके साथ है, और इसीलिए परमेश्वर आपको बचा के रखता है, इसीलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, इसीलिए परमेश्वर आप चाहता है कि वो आपके द्वारा इतिहास बनाए। लेकिन हमें परमेश्वर की योजना को पहचानना है, हमें परमेश्वर की योजना को समझना है, और हमें विश्वास करना है कि मैं धर्मी हूं और मेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम कर रही हैं। मैं धर्मी हूं, मेरे जीवन में संकट काम नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं काम कर रही हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। धन्यवाद तूने हमको चुना है। धन्यवाद परमेश्वर कि मेरे जीवन में संकट नहीं आता है, मेरे जीवन में परमेश्वर तेरी योजनाएं काम करती हैं। सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष सुख और चंगाई मांगता हूं। धन्यवाद, आमीन।